हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना फेस मास्क। ये जो रेमेडी है आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को क्लियर करके आपके चेहरे को ये वाइटन ब्राइटन और फेयर स्किन बनाने में हेल्प करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस मास्क को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक केला और ये पका हुआ केला है। पहले तो केले को पील ऑफ करके देन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लिया है मैंने। अब इस बनाना के टुकड़ों को एक ब्लेंडर में डाल के इसको एक फाइन पेस्ट बना लेना है। बनाना के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स हैं और बनाना जो है वो है रिच इन मिनरल्स, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन B6, जिससे आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स ब्लेमिशेस को रिमूव करके आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में ये हेल्प करता है। इस मास्क को बनाने के लिए यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ बनाना पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ रॉ अनफिल्टर्ड हनी और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। यहाँ पे मैंने 1 पिंच जितना हल्दी डाला है और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्दी आके एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है जिसके वजह से हमारा जो पिंपल्स या एक्ने का इशू है वो भी क्लियर हो जाता है और एक्ने स्कार्स को भी ये रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे को वॉश करके देन इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पे लगाइएगा। अब मैं इसको इस तरह अपने चेहरे पे लगा लूँगी। इस मास्क में है राइस फ्लावर जो है चावल का आटा, जिसके वजह से आपका जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सफोलिएट होता है और आपके स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके और आपके ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स को भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इसमें मैंने डाला है कर्ड और हनी। कर्ड जो है बहुत ही रिच होता है लैक्टिक एसिड में, जिसके वजह से हमारे चेहरे से डार्क स्पॉट्स ब्लेमिशेस को रिमूव करके हमारे चेहरे को बहुत ही क्लियर और लाइटन करने में ये हेल्प करता है। हनी आके एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसके वजह से आपके चेहरे से ड्राइनेस को क्लियर करके ये आपके चेहरे को बहुत ही स्मूथ और हाइड्रेटिंग करने में ये हेल्प करता है। इस मास्क को 5 मिनट तक आपके चेहरे में रखना है। 5 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से इस तरह स्क्रब करना है। इस तरह करने से आपका जो चेहरा है वो बहुत ही एक्सफोलिएट होता है और आपके चेहरे से जितना भी एक्सेस ऑयल और डर्ट को भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। अब मैंने अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो स्किन है वो कितना क्लियर हो चुका है। फेयर और क्लियर स्किन पाने के लिए आप इस बनाना मास्क को 2 से 3 बार वीक में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो चेहरा है वो बहुत ही क्लियर और लाइटन और ग्लोइंग दिखेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच और सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।